गल तो हुण इह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो लोग ये तवक्को रखते हैं कि ये कहिंदे सी दिल्ली मॉडल कि आइंदा सरकारी स्कूल इन्ने अच्छे बना देण कि लोग प्राइवेट स्कूलों जाना बंद कर देण तां तां फायदा जे एवें प्राइवेट हदायतां दे जाण उन्हां दा कोई फायदा नहीं। जिस तरीके नाल दिल्ली दे स्कूल एक्ट बनाए आ असीं इत्थे वी स्कूल एक्ट बनावांगे तां कि कोई भी प्राइवेट स्कूल धक्के नाल वाधू फीसां ना लवे वाधू चार्जिस ना लवे। इस चीज़ के लिए मैं अपनी संगत दे नाल हां, इहदे लई मैनूं जे कि कुछ करना भी पाया अगर तक किसी हद भी पार करनी कि असं करा तुम जो फीस बंद करा दोगे घट करा दोगे टीचर सस्ते रख लग पैणगे गलत बच्चों की पढ़ाई तो कॉस्ट आ गई ना। गलत यह है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड स्कूलों के टीचर भर के वधिया किया जाए ताकि लोग सरकारी प्राइवेट स्कूलों मूँह ना कर। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी वालों प्राइवेट स्कूलों से सिकंजा कसण के लिए ऐलान किए गए जिस विच अपने पब्लिशर तो किताबा बिकाउण ते फीसा वधाउण ते लाई गई रोक नूं लैके मुख्यमंत्री ने कई ऐलान किए। इस नूं लैके हुण महेश इंद्र गरेवाल सीनियर अकाली आगू ने सवाल खड़े किए ने। उन्हें कहा कि जेकर ये फैसले छोटे प्राइवेट स्कूलों से लागू होंगे ने तो इस नाल सिक्ख्या का म्यार डिगेगा क्योंकि इस नाल प्राइवेट स्कूल घट तनखाहां वाले अध्यापक रखणगे ते ओह बच्चियां नूं वधिया तरीके दे नाल पढ़ाई नहीं करवाउणगे। महेश इंद्र गरेवाल ने आम आदमी पार्टी नूं दिल्ली मॉडल दा वादा याद करवाया ते कहा कि सरकारी स्कूलां च सिक्ख्या दे म्यार नूं उच्चा चुक्या जावे अते उसदे उत्ते फोकस कीता जावे। देखो प्राइवेट स्कूल दो कैटागरी दे स्कूल ने, एक साधारण प्राइवेट स्कूल ने जिन्हां च साधारण घर के बच्चे या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। दूसरे प्राइवेट स्कूल ने जिहड़े CBSE नाल जुड़े ने, नामवर स्कूल ने जिवें सतपाल मित्तल स्कूल होया, DAV स्कूल होया, शैमरॉक होया, दिल्ली पब्लिक स्कूल होया, सेक्रेड हार्ट होए। ये पहले तो सरकार को क्लीयर करना पऊ कि ये प्राइवेट कड़े स्कूलों बारे उन्होंने आदेश दिता हैगा, क्योंकि सरकार ने आ जिहड़ी गल कही है जिन्ना क खबर लोगों आई है वो प्राइवेट स्कूल लफ्ज़ वरत्या गया। प्राइवेट की तो बड़ी विशाल गल उन्होंने बारे कोई है नहीं, बाकी जिहड़ियां दूसरे स्कूलों बारे उन्होंने ट्रिब्यूनल का ऑलरेडी फैसला आया होया कि 6 to 8% तो वो इनक्रीज फीस की नहीं कर सकते तो कोई करता भी नहीं पाया ना कर सकता है। गल तो हुण यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो लोग ये तवक्को रखते हैं कि ये कहिंदे सी दिल्ली मॉडल कि आइंदा सरकारी स्कूल इन्ने अच्छे बना देण कि लोग प्राइवेट स्कूलों जाना बंद कर देण तां तां फायदा, जे एवें प्राइवेट हदायतां दे जाण उन्हां दा कोई फायदा नहीं। गल तो यह है कि लोगों के बच्चों को अच्छी विद्या मिले। तुसीं जे फीस बंद करा दोगे घट करा दोगे टीचर सस्ते रख लग पैणगे गलत बच्चों की पढ़ाई तो कॉस्ट आ गई ना। गलत यह है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड स्कूलों के टीचर भर के वधिया किया जाए ताकि लोग सरकारी प्राइवेट स्कूलों मूँह ना कर। ये चीज़ा सारिया सिर्फ है इन्हों के नतीजे कुछ नहीं निकलने, ऐलान जो मर्जी कर। दूजे पासे आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी ने कहा कि मुख्यमंत्री वालों जो फैसला लिया गया है काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के नाल लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि वह खुद भी प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी देते हैं कि वह सरकार के नाल मिलकर काम कर, फीसा के विच किसी तरह का वाधा ना कर, लुट खसुट बंद कर दे। भगवंत मान साहब ने एजुकेशन को लैके काफ़ी ऐलान किए ने और कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी जी धांधलेबाजी हैगी है प्राइवेट स्कूलों की है चेतावनी भी दिने कि कृपा करके आपां पुराना जमाना कढ दईए। ये हुण रंगला पंजाब बनन जा रहा, जो तुसीं पिछे कर लिया असीं पास्ट च नहीं जाना, असी प्रेजेंट बारे गल करनी है। ये पंजाब की जो सिक्ख्या प्रणाली है जो तुसी लोग कुछ चंद ऐसे लोगों ने इनू अपने राज घराने बना के अपने तक ही सीमित कर लिया, वो चीज़ नहीं चलेगी और इनू पब्लिक के लिए समर्पित होना पड़ेगा प्राइवेट स्कूलों। जिस तरीके ना दिल्ली के स्कूल एक्ट बनाए हैं असी इत्थे भी स्कूल एक्ट बनावांगे ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल धक्के नाल वाधू फीसा ना लवे वाधू चार्जिस ना लवे। इस चीज़ के लिए मैं अपनी संगत के नाल हां, इहदे लई मैनूं जे कि कुछ करना भी पाया अगर तक किसी हद भी पार करनी भी अभी करा। एंटी करप्शन के उत्ते जेकर स्कूलों लैके शिकायत आती है कि एक्शन लैंने तैयार हो कि एंटी करप्शन भगवंत मान बिल्कुल करा, क्यों नहीं करा। भगवंत मान जी की टीम के बंदे हैं जो साढ़े मुख्यमंत्री करे इस तरह उन्होंने अस तक अस तक देखो सच्ची सोच लैके चले हैं
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ 'ਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਵਰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।